बस उसकी थी जिंदगी थोड़ी थी, तो शायद इस वजह से। मुझे यकीन ही नहीं आता कि ताऊ भाई इतनी जल्दी हमारे से बिछर गए और इतनी जल्दी हमारे से दूर चले गए। मुझे वो बहुत अच्छे लगते थे, मुझे सबसे अच्छे वो मेरे दोस्त थे, लेकिन जब भी वो आते थे लेकिन वो सबसे ज्यादा मेरे साथ ही खेलते थे। मासूम बच्चे हैं ना ये, तो 3 दिन इन सब बच्चों ने ना कुछ खाया है, बस रोते थे, कहते थे आप ये दुआ करें कि ताऊ घर आ जाए। बच्चों को यकीन नहीं आ रहा है, वो यही कहते हैं अभी तक गुम है तो आ जाएगा। उसको ना फैशन डिजाइनिंग का बड़ा शौक था, वो घर में अपनी खाला के साथ कपड़ों की डिजाइनिंग करता था, बल्कि मुझे भी वो लिंक भेजता रहता था, यहाँ से लगी है आंटी, या मुझे बुलाता था आ जाए इधर मैं आपको दिखाता हूँ आपने अगर लेने हैं कपड़े तो। मेरी तो तबीयत बहुत खराब है जब से उसको मैंने सुना है ना, मैं तो मेरा बीपी नहीं सेट हो रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कैपिटल टीवी इस्लामाबाद से मैं हूं निसार आबिद। मैं इस वक्त मौजूद हूं ताहा के घर के बाहर। गुज़िश्ता कुछ दिन पहले जो है वो ट्रेल 5 पर एक सानहा पेश आया है। ताहा अपने 5 दोस्तों के साथ जो है वो हाइकिंग की गर्ज़ से वहां पे जाता है, जहां पर जो है उसके दोस्त उसे छोड़ कर वापस आ जाते हैं और ताहा जो है उन पहाड़ियों पर लापता हो जाता है। 2 दिन तक जो है उसकी तलाश जारी रहती है। 2 दिन की तलाश के बाद वर्ल्ड लाइफ और पुलिस की सर्च ऑपरेशन के बाद ताहा एक गहरी खाई में से जो है वो मुर्दा हालत में पाया जाता है, जिसके बाद इंतहाई दुख के लम्हात होते हैं उसकी फैमिली के लिए और उसके बाद जो है पुलिस तहकीकात का आगाज़ होता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ताहा के घर के बाहर। मैंने ताहा की फैमिली के साथ बात करने की कोशिश की है, लेकिन वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो जो है वो बात कर सकें। तहम मैं इस वक्त उनके बिल्कुल घर के साथ जो बच्चे जो रोज़ाना ताहा के साथ खेलते थे और वो इंतहाई इस वक्त गमज़दा भी हैं, मैं उनके साथ खड़ा हूँ और मेरे साथ एक आंटी मौजूद हैं और वो 4 साल का जब ताहा था तब से उस बच्चे के साथ जो है उनकी दोस्ती है। हम उनसे जानते हैं कि वो ताहा के साथ उनके मोहब्बत का रिश्ता किस तरह का रिश्ता था और वो ताहा के जाने पर किस हद तक जो है वो गमज़दा हैं। ताहा को कब से जानती थी, कैसा बच्चा था? वो एक बहुत ही प्यारा बच्चा था, छोटा था 4 साल का जब मैंने उसे पहली दफ़ा देखा, ये इस मोहल्ले में इनके आए तो गोल मटोल सा था, तो हम उस वक्त से उसे प्यार कर रहे हैं। और वो पढ़ाई में भी माशाल्लाह इतना लायक था, 8वीं तक तो उसकी पोजीशन बहुत टॉप क्लास थी और मोहल्ले में सब उसका मैंने कभी दोस्त आते हुए नहीं इधर देखा कि भाई उसके दरवाजे बेल दे के, सिर्फ छोटे बच्चों से शाम को खेलता था और आधे घंटे से ज़्यादा उसके वालद उसकी मामा नहीं उसे खेलने देती थी, भाई अंदर आ जाओ पढ़ाई का टाइम हो गया। तो वो अकेला भी नहीं कभी गया, आज तक नहीं कभी गया, अपने फैमिली के अलावा नहीं वो कभी, हम तो खुद हैरान हैं कि वो कैसे चला गया। तो बस उसकी थी ज़िंदगी थोड़ी थी, तो शायद इस वजह से। तो क्या यहाँ पे मोहल्ले में उसके दोस्त नहीं थे, ये जो बच्चे मैं देख रहा हूँ? इस्लाम दुआ बच्चों के साथ सबके साथ थी, मगर उसकी उम्र के जो वो कहे ना कि भाई जैसे अब उसकी उम्र थी ना, 9th क्लास में था तो कोई स्कूल का बच्चा आ रहा है या कोई अदर, उसने कई मोहल्ले से दोस्ती लगाई हुई है, वो ऐसा नहीं था, ना ही उसके फैमिली की उसकी परमिशन थी कि ज़्यादा दोस्तियाँ करें। मैं यहाँ पे अभी देख रहा था ये आपके जो बच्चे हैं ये भी बड़े गमज़दा हैं, मासूम बच्चे हैं ना ये, तो 3 दिन इन सब बच्चों ने ना कुछ खाया है, बस रोते थे, कहते थे आप ये दुआ करें कि ताऊ घर आ जाए, क्योंकि इन्होंने देखा भी नहीं है ना कि ताबूत आया है, तो 2 मिनट रखा है और फिर वो ले गए दफनाने के लिए, तो इसलिए बच्चों को यकीन नहीं आ रहा है, वो यही कहते हैं अभी तक गुम है तो आ जाएगा, बच्चे ये कहते हैं कि वो गुम है और आज रात को 12 बजे ताबूत आया तो 2 मिनट रखा है फिर ले गए। सब बच्चों के साथ खेलता था, अफ्तारी होने से 5 मिनट पहले सबको कहता था चले जाएं, फिर उसने सब बच्चों को 15-16 बच्चे थे सबको उसने 100-100 रुपया ईदी दी मेरी तरफ से, मैं आपका फ्रेंड ज़रा बड़ा हूँ तो इसलिए मेरी तरफ से ये ईदी है आप ये लें। तो माशाल्लाह उसको ना फैशन डिज़ाइनिंग का बड़ा शौक था, वो घर में अपनी खाला के साथ कपड़ों की डिज़ाइनिंग करता था, बल्कि मुझे भी वो लिंक भेजता रहता था, यहाँ से लगी है आंटी, या मुझे बुलाता था आ जाए इधर मैं आपको दिखाता हूँ आपने अगर लेने हैं कपड़े तो। मेरी तो तबीयत बहुत ख़राब है जब से उसको मैंने सुना है ना, मैं तो मेरा बीपी नहीं सेट हो रहा, बस अल्लाह पाक उसकी मगफरत करे, माँ को सब्र दे, सिंगल मदर थी वो, अल्लाह पाक उसको सब्र दे। वालदा की तरफ से इकदाम कत्ल की भी दफात लगवा दी गई है कि इसकी पूरी तहकीकात उनके दोस्त माँ है, वो तो करेगी, उसने तो अपना इंसाफ लेना है, वो तो करेगी जितना उससे हो सकेगा एफर्ट करेगी, फिर अल्लाह पाक है जो फैसले करने वाला, अल्लाह इंसाफ देगा, अगर बंदे ना देता तो अल्लाह तक देना ही है ना। हम साथ गेम्स खेलता था और हमेशा वो वहाँ से वो दरख्त भी काटते थे, वहाँ से जो वहाँ से फ्रूट होते थे और वहाँ से काटते थे,
और हमेशा वो खेलने भी आते थे, लेकिन रमजान में हमेशा आते थे। फिर हमेशा मैं कहते थे दो दफ, मैंने कहा है कि आज जो खेलने के लिए, उसने कहा है कि दो दफ मेरा पेपर होना है। आप बताएं, आप ताहा की कजन हैं, और किस तरह का ताहा था और आप किस तरह खेलते थे? वो बहुत अच्छे थे, मतलब आप ऐसे समझ लें कि इतना वो खेलते थे, इतने स्वीट नेचर के थे कि हम लोगों को अभी हम उनकी गेम्स सोच रहे थे, उनका सोच रहे थे, तो हम लोगों को याद आ रहा था कि अभी ताहा भाई अगर यहाँ होते या यहाँ खेल रहे होते तो उन्होंने हमारे पास इतनी ज़्यादा गेम्स, हमारे पास आइडियाज़ होते कि हम लोग उनके साथ इतनी ज़्यादा गेम्स के आइडियाज़ कर सकते। और मुझे यकीन ही नहीं आता कि ताहा भाई इतनी जल्दी हमारे से बिछड़ गए और इतनी जल्दी हमारे से दूर चले गए। बहुत ज़्यादा धूके, अच्छा लड़का था, हमेशा खेलने आता था, पर बिजी बहुत होते थे। जब भी बिजी होते थे ना, पढ़ाई करते थे, तो हम उसको बुलाते थे तो आ जाते अपनी पढ़ाई को छोड़ के। आपके भी दोस्त थे? यस। तो फिर कैसा, क्या खेलते थे आप उनके साथ? हम लोग बर्फ पानी भी खेलते थे, पकड़े पकड़ाई भी खेलते थे, छुपन छुपाई भी खेलते थे। आपका नाम क्या है? राबिया। आप कितनी अच्छी दोस्त थी ताहा की? मुझे वो बहुत अच्छे लगते थे, मुझे सबसे अच्छे मेरे दोस्त थे, लेकिन जब भी वो आते थे, लेकिन वो सबसे ज्यादा मेरे साथ ही खेलते थे। मैं इस वक्त ताहा के घर के बाहर मौजूद हूँ, और जैसा कि आपने अभी सुना कि जिस तरह इस मोहल्ले के बच्चे गमजदा हैं, और वो ताहा की मौत पर, इतनी अचानक मौत पर बिछड़ जाने के बाद अभी तक किस पोजीशन में नहीं है, और बच्चे अभी भी इस चीज़ का गुमान किए हुए हैं कि ताहा वापस आए और हम उसके साथ दोबारा उसी तरह खेलें। इस मोहल्ले से हमने जितने भी लोगों से बात की हैं, वो ताहा की इस अचानक मौत पर इंतहाई गमजदा हैं और भरपूर जो है वो अपील कर रहे हैं कि इस पूरे जो वाक़या है, इसकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए और पुलिस की पूरी रिपोर्ट जो है मुरतब होनी चाहिए, और तमाम इसके दोस्तों से मुकम्मल तफ्तीश के बाद ये चीज़ सामने आनी चाहिए कि क्या ये वाकया बिल्कुल ताहा के स्लिप होने की वजह से पेश आया है या कोई दोस्तों की वहाँ पे जो है वजह से ताहा को इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है।